हम इस वीडियो में भारत के खाली मानचित्र पर आगरा को लोकेट करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए फर्स्ट मिस्टर सेकंड के इतिहास के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रस्तुति आगरा पर एक मॉडल शॉर्ट आंसर के साथ शुरू होती है। आगरा पर शॉर्ट आंसर मध्यकालीन इतिहास की जरूरत को के अनुरूप किया गया है। इस वीडियो में एक गूगल ट्रेवल ब्लॉग का सेक्शन भी है जो कि जैन अध्ययन में विश्वास रखने वाले व्यूअर्स को रोचक लगेगा। आगरा के अस्तित्व का पहला संकेत महाभारत में मिलता है। तब इसे अग्रवन के नाम से जाना जाता था। इस स्थान का संबंध कृष्ण जी के जन्म से भी है। आगरा यमुना नदी के तट के दोनों ओर बसा है। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसका लड़का इब्राहिम लोधी यहीं से राज चला रहा था जब उसकी बाबर के हाथ पहली पानीपत के युद्ध में 1526 में पराजय हुई थी। बाबर ने आगरा को ही अपनी मुगलिया सल्तनत की राजधानी बनाया था। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने भी आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर की भी राजधानी आगरा ही थी। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहांबाद ले गया, जिसे दिल्ली के पास शाहजहां ने बनाया था। आगरा पेठे की मिठाई, पत्थर पे मीनाकारी और ताजमहल के लिए जाना जाता है, जिसकी आधारशिला मुगल राज में पड़ी थी। भारत मानचित्र का प्रतिरूप जिस पर हम आगरा को दिखाने का अभ्यास करेंगे, आइए आगरा को मानचित्र पर दिखाना सीखें। भारत के संपूर्ण मानचित्र पर आगरा की स्थिति देखें। आसपास के महत्वपूर्ण शहरों की उपस्थिति का निरीक्षण करें। नक्शे के छोटे पैमाने पर आगरा नई दिल्ली और जयपुर के काफी करीब लगता है। हालांकि इस प्रेजेंटेशन में आगरा और नई दिल्ली की लोकेशन पर ही ध्यान दिया जाएगा। वास्तविक उद्देश्य की सराहना करने के लिए गूगल ट्रेवल ब्लॉग का सेक्शन भी देखें जो कि इसके अंतिम भाग में दिया गया है। भारत की सीमाओं से चार दिशाओं में सजेस्टिव पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। वे मनमाना चयन है। वे खाली क्लीन मानचित्र पर आगरा की लोकेशन का पता लगाने में सुविधा प्रदान करेंगे। भारत के सुदूर उत्तर में जो सीमा बनती है उसमें एक कपरूपी बंतर दिखाई देती है, जिसको एक आर्क के द्वारा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं मार्क करने की कोशिश की है। आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब आप भारत के सुदूर दक्षिण पे देखिए, वहाँ एक वी शेप कप से बाउंड्री लाइन को एम्फेसाइज किया गया है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमती दिखेगी। आप अपने दाएं हाथ भूटान और भारत की सीमा के समांतर भूटान के भू क्षेत्र में एक काली लाइन लगती हुई देखें। इसको आप मेमोरी टैग बनाएं, क्योंकि यहीं से आपने अपने बाएं हाथ की ओर एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। गूगल मैप से जहां आगरा अंकित करके दिखाया जा रहा है, वहां से अगर हम बाईं ओर को एक लकीर खींचे तो वो जयपुर से ऊपर रहती है और जैसलमेर में जाकर भारत की सरहद को टच करती है। कृपया इस पे ना ध्यान फोकस करें। अब आगरा की स्थिति को केंद्र में रखते हुए भारत की सीमाओं तक चार दिशाओं में काल्पनिक रेखाएं बनाएं। ये मेंटल टैग के रूप में काम करेगा, जिसे आप क्लीन आउटलाइन मैप पर भी आगरा लोकेट कर पाएंगे। इसे आप पेंसिल से खींचें। इसे आप एग्जामिनेशन के मैप पर बनाते हैं तो बाद में मिटा दें, नहीं तो मैप वर्क खिचपिच हो जाता है, जिससे कुछ प्रेक्षक अच्छा नहीं मानते और अंक काट लेते हैं। अब काल्पनिक रेखाओं को खींचने के अभ्यास को एक बार फिर से देखें। चारों दिशाओं में काल्पनिक रेखाएं कहां कहां पर भारत की सीमाओं को छूती हैं और आगरा के स्थान पर किस प्रकार से लंबवत परपेंडिकुलर बनता है। किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हमारे हाथ में एक प्रकार का फलादेश प्राप्त हो जाता है। इसी के आधार पर अब भारत के एक क्लीन रेखा मानचित्र पर आगरा अंकित करने में सक्षम है। आइए अब हम आगरा की लोकेशन को भारत के खाली रेखा मानचित्र पर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम गूगल मैप पर किए गए अभ्यास को क्लीन रेखा मानचित्र पर प्रयोग करें और आगरा की लोकेशन को लोकेट करें।
जहाँ पर काल्पनिक रेखाएं परपेंडिकुलर बनाती हैं वहाँ पर एक डॉट बना दें। अब इस डॉट को आगरा घोषित कर दें। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ पोल दिखाने के लिए एक एरो बना दें जैसा कि दिखाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी मैप वर्क और प्रांतीय सिविल सेवाओं की परीक्षा में अमूमन 15 से 30 स्थानों में से 5 से 10 स्थानों को दिखाने को कहा जाता है। परीक्षार्थी स्थानों के लिए केवल बिंदी लगाने तक का ही अभ्यास करते हैं। वे उन स्थानों के क्षेत्रीय महत्व पर कोई चिंतन अर्जित नहीं करते। ऐसा चिंतन और बोध उन्हें अपनी पुस्तक की पटकथा में कुछ गहन जानकारी को प्राप्त करने से वंचित कर देता है। इस गूगल ट्रैवल ब्लॉग से कुछ ऐसी जानकारी प्रसारित हो सकती है जिससे पुस्तकों से प्राप्त तथ्यों पर गहरी पकड़ सके। इसी संभावना को आधार बनाते हुए यह सेक्शन रचा गया है, चलिए इसे देखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड सेमेस्टर में 3 स्थान दिखाने आते हैं, जिसमें दिल्ली, मथुरा, आगरा। आइए अब हम गूगल मैप की मदद से इन तीनों स्थानों के कंपैरेटिव पोजीशन देखें और ऐसा करते हुए हम कुछ मूल तत्व इन स्थानों की लोकेशन के संबंध में जानेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर यमुना नदी के साथ साथ पहले आगरा, फिर मथुरा, फिर उसके बाद यमुना नदी के साथ साथ अगर हम चलते रहें तो हम अंत में दिल्ली तक पहुँच जाते हैं। यहाँ दिल्ली, न्यू दिल्ली और देहली मूल शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर हम नदी के बहाव के साथ चलें तो ये तीनों शहर यमुना नदी के दाएं ओर स्थापित हैं। हम इसका एक बार फिर निरीक्षण करते हैं। हम अब इस यमुना नदी से वापस आगरा की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, ये नीले रंग की जो लाइन दिखती है ये यमुना नदी की चाल है और इस नदी पे अलग अलग शहर भी दिखते हैं। ये कैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये मथुरा के पास से भी गुजरती है। अभी आपके सामने मथुरा दिखाई देगा। मथुरा से भी यमुना नदी के साथ साथ हमें आगरा की लोकेशन भी दिखाई देती है। ये तीनों शहर यमुना नदी के दाएं ओर पर स्थापित है। एक बार फिर से इसका हम निरीक्षण करते हैं। आप अपना ध्यान इस नदी के साथ साथ दिखाए जाने वाले स्थानों को भी देखिए। इसमें आपको मथुरा और वृंदावन भी यमुना नदी के दाएं ओर दिखाई देगा और इसके बाएं ओर गंगा नदी इसके साथ साथ चलती है। ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये कंटेंट मेकिंग जरूर लुभाई होगी, तो इसके लिए लाइक या डिसलाइक तो बनता ही है। कंटेंट मेकिंग में जिस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, अगर आपको वो लुभाते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे।